नमस्कार, मैं उत्सव रही और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24x7। जैसा कि आप सबको पता, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते हुए दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा। 10 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव होगा। ऐसे में वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, बहुत बड़ा, ये एक बड़ा मैदान दिख रहा है और यहाँ पे हर प्रत्याशी अपनी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे में कैंट से भावी प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से रेखा शर्मा जी से बात करेंगे कि क्या तैयारियां हैं और क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कुछ नया बदलाव होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो क्या लग रहा है मैडम कि इस बार क्या उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस की ओर से क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, कांग्रेस एकदम पूरी जोर शोर से तैयारी के साथ मैदान में उतर रही। जब से प्रियंका जी उत्तर प्रदेश का प्रभाव संभाली हुई है, एकदम निचले बूथ स्तर से तैयारी चल रही है। और इस बार जो धमाका होगा वो तो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा लोगों को। अब परिवर्तन तो निश्चित है। और ऐसे लग तो रहा है आपका, जब से कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की तब से लग रहा है, और लोगों को भी, ये लोगों के जुबान पे भी है कि रेखा शर्मा जी को कैट से टिकट मिला, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। क्या लग रहा है कि कब तक क्लियर होने की चांसेस है? आने वाले दिनों में कल परसों से फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो जब तक क्लियर नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे, क्या तैयारी लग रहा है कि आगे के लिए क्या तैयारियाँ बनेंगी, क्या आश्वासन मिल रहा है, कब तक मिल रहा है? और हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी मेरे कर्मठता को देखकर, मेरी मेहनत को देखकर टिकट हमें भी मिलेगा। तैयारी है पूरी। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैट में सौरभ श्रीवास्तव जी, जो कि इस वक्त विधायक भी हैं और प्रत्याशी पुनः बनाए गए, तो आपके सामने चुनौतियां तो काफ़ी होंगी। क्या लग रहा है चुनौती के सामने आपकी सीधी चर्चा किसके है, भाजपा से है या सपा से है या फिर और अन्य दल? देखिए, सपा का कोई टिकट नहीं मिला है, किसको नहीं हुआ है, कोई संस्था नहीं हुआ है। अरे भाजपा का सवाल तो भाजपा, हाँ ये बात सही है कि सौरभ जी को टिकट मिल गया है, कन्फर्म हो गया है। एक ही परिवार को आठवीं बार टिकट मिला है, आठवीं बार। जहाँ भाजपा कहता है कि परिवारवाद नहीं होता है, तो वो कैंट में अगर आके, मोदी जी का क्षेत्र है, अगर कैंट विधानसभा में आके देखें तो उसका उदाहरण मिलेगा कि एक ही परिवार में पहले पिता फिर माता, आठवीं बार टिकट मिल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, इस बार जो होगा ये परिवारवाद कैंट विधानसभा का बेहतर है, पूरा विश्वास है, समर्थन के साथ परिवर्तन करने के लिए। प्रियंका जी कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसका मतलब क्या है? भाजपा तो कहती है, कह रही है कि लड़की लड़ने के लिए नहीं होती, लड़की को देवी कहा जाता है, वो लड़की नहीं है। अब देखिए, पहले हम एक सवाल का जवाब दें। प्रियंका जी, प्रियंका जी जब से उत्तर प्रदेश का कमान संभाली है, वो बहुत निचले स्तर से जाके राजनीति में पहले वो कदम जैसे ही रखी, तो हर छोटे बड़े वर्कर सभी से मिली, यहाँ की जो पीड़ा थी, जैसे वो प्रभाग संभाली, जैसे उम्भा वाला केस आप देखे, नरसंहार और तमाम रेप केस ऐसे वैसे आया, जहाँ वो जाके कुछ पीड़िता से मिली और मिलते देखी, बातचीत की, तो उनको ये समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं लड़कियों को बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है। पीड़ित हैं तो औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, इसीलिए वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ हैं। और जहाँ तक रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस हमेशा महिलाओं के पक्ष में रहा है, चाहे वो अगर देखें तो प्रधानमंत्री पहली बनी तो इंदिरा गांधी बनी, अगर राष्ट्रपति पहले बनी तो कांग्रेस की ही देन है, मुख्यमंत्री अगर पहली महिला बनी तो भी कांग्रेस की देन है। और यहाँ तक कि नगर निकाय चुनाव में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री नगर निकाय चुनाव में 33% आरक्षण राजीव गांधी की देन है कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, महिला सभा, मेयर, चेयरमैन दल को बैठे हैं, उसी परिवार के लिए है और महिला के लिए विशेषकर काम करे। उत्तर प्रदेश आए तो महिला इनके लिए चैलेंज बन गए, महिलाओं से जाकर मुझे किसी की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिए, लड़कियाँ कहीं से कमजोर नहीं है। और आप देखे ही हैं कि मैराथन जो हो रहा था, इतनी संख्या में महिलाएं और लड़कियाँ इसमें उपस्थित होती थी, भाग लेती थी, हालांकि बीच में कुछ कांड हो गया, रुक गया, लेकिन ये लेकर तैयार हो गई। और रही सवाल अफसर का, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लड़की लड़ने के लिए नहीं बनी हुई है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो धर्म से ज्यादा, भाई सब धर्म से जुड़ा है ऐसा नहीं है, लेकिन इनका जो दिखावा है कि ये धर्म से ज्यादा जुड़े हैं, ये राम के लिए काम करे और कोई तो कुछ कर नहीं रहा है। अगर ये कहते हैं कि लड़कियां लड़ने के लिए नहीं है, देवी है, तो देवी दुर्गा है,
और नवरात्र में चार शाली चार नवरात्र पड़ता है, दो गुप्त नवरात्र दो ऐसे। और देखिए अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे चाहे ऐसे भी सुनेंगे, और दुर्गा जो प्रतिमा लगता है उसमें देखिए उनका रूप क्या है, लड़ने वाला रूप है कि क्या है। तो देवी का मतलब भी कि हम लड़के ही अपना अधिकार लेंगे। दुर्गा जी भी लड़ी थी अपना रूप नौ रूप भाग कर देती थी, तो उसमें कुछ वो नहीं है, इनकी सोच गलत है। लड़की के प्रति तो हमेशा ही कुछ सोचते रहते हैं। आप यहाँ से नगर पालिका चेयरमैन भी है, तो आपको जिम्मेदारियाँ भी बड़ी मिली हुई है, और आप जैसे ही बताए कि आप कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी है राष्ट्रीय स्तर की, तो क्या लग रहा है कि आप चेयरमैन के साथ साथ अभी आपके सामने जो चुनाव है उसको किस हिसाब से आप फाइट करने का और लोगों के बीच जाने का क्या प्लान? देखिए हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, जिला मेन बॉडी के उपाध्यक्ष और नगर पालिका के चेयरमैन भी हैं। हम सारी जिम्मेदारी सबके से संभालते हैं, कहीं से कोई कंप्लेन नहीं रहता है। हमारा नगर है, हम हमेशा समय देते हैं। आज सुबह से जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे घर बैठे हुए लगातार लोगों का आना जाना मिलना, अगर हम ऑफिस नहीं पहुँचे हैं जितनी महिलाएँ अध्यक्ष जा रहे हैं लगातार फ़ोन कर रहे हैं, स्टाफ से कॉन्टेक्ट करके उनका काम कर रहे हैं। इसमें कहीं से कमी नहीं है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है। हम एक दो दिन से राजनीति में नहीं है, हम 22 साल से चुनाव जीत रहे हैं और सब कुशल अपना दोनों काम कर सकते हैं। 50 साल भी करेंगे, अपना चेयरमैन की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। अगर आज टिकट में आपका नाम वैसे तो फाइनल है, अगर बदलाव नहीं किया जाता है, आज अगर क्लियर हो जाता है तो प्राथमिकता क्या होगी, आज से आपकी तैयारियां क्या होगी, कितनी, क्योंकि कल से तो नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जा रही है, तो फिर आपके पास तो समय बहुत ही कम है क्योंकि कल 10 तारीख है, 10 तारीख के बाद ये 28 का महीना है और 28 तारीख के बाद से 7 को चुनाव है यहाँ पे नाग चरण में, तो ऐसे में क्या प्लान बना के चल रही है, क्या तैयारियाँ चल रही हैं आपकी, वो दर्शकों के बीच में डालिए, किन मुद्दों पर आप बात करेंगी ये चीज़ें बताएं। देखिए अगर आज दूसरा हो जाती है पहले तो हम देवी माँ का भगवान का आशीर्वाद लेंगे, फिर बड़े नेताओं का आशीर्वाद लेंगे, फिर फील्ड में उतरेंगे। और फील्ड में उतरने का फील्ड में तो इससे पहले से भी मेरा कर्मभूमि पूरा कैंट विधानसभा है, रामनगर में 22 साल से काम किए हैं, अस्थित पे हमारा ससुराल है, और ये कैंट विधानसभा में लगभग हम 2-2.5 साल से लगातार वर्क कर रहे हैं। पार्टी के जो हमारे खोमचा के ताली व्यवसायी हैं उनका मुद्दा है, मुद्दा तो इतना है कि पूछिए मत, लेकिन एक जो चल रहा है कि सब मुद्दे को दबा के सिर्फ एक ही मंदिर मुद्दा बना दिया गया है। दर्शकों से आपकी क्या अपील है आने वाले चुनाव को लेकर? दर्शकों से हम ये कहते करेंगे दर्शकों से कि पहले तो अपना वोट का अधिकार, वो वोटिंग करने जरूर जाए किसी भी हालत में वो वोटिंग करें, और देखिए आप लोग के ही समर्थन से पूरा सब कुछ प्रदेश में बनता है, आपके विधायक आपके कार्य क्षेत्र में आपके एरिया में आकर काम देखते हैं। पहली बात तो वोट डालें और बहुत विवेक से देखिए, धर्म से बहुत राजनीति धर्म से जोड़ के हो रहा है, धर्म ही सब कुछ नहीं, धर्म है, कोई भी सरकार धर्म से अछूता नहीं रहता है, लेकिन हमें ऐसे भी कुछ करना है जो हमारा परिवार चल सके, हमारे आने वाली पीढ़ी हम लोग को जो भी समझे आगे बढ़ाए, और जो इस समय बेरोजगार युवा है, महिलाओं का अधिकार है, वो सब हमको मिलना चाहिए। जो मौजूदा सरकार है ये सबसे एकदम अछूता हो गए, सिर्फ मंदिर पे जा रही है, सिर्फ मंदिर पे, ये कहीं से सही नहीं है। मंदिर को भी एक व्यवसाय बना दिया है, मंदिर दर्शन करने सभी का जाने का अधिकार है, छोटा मंदिर ये बड़ा मंदिर, लेकिन ये इसको सिर्फ राजनीति से जोड़ के एक व्यवसाय बना दिए हैं। जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, पहले हमारे गरीब से गरीब लोग जाके दर्शन करके भगवान से प्रार्थना कर लेते थे, अब तो बिना टिकट के अंदर जा नहीं सकते हैं, तो व्यवसाय और ये हम जो ना एक साथ देखते हैं, तो सभी मतदाता जागरूक हों कांग्रेस के लिए। आपने सुना रेखा शर्मा जी ने क्या कुछ कहा अपनी बातों के माध्यम से, और लोगों से अपील की कि अपने वोटों के अधिकारों को समझे, मतों के अधिकार को समझे, अपने विवेक से वोटिंग करें और मतदान करने अवश्य जाए। आपने भी अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ दिया, फिर मिलते हैं एक नए चेहरे के साथ।